Hello everyone, I'm Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English Channel. So friends, today again we will discuss about the use of do, does and did. Okay, तो कल के वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि do, does और did जो है समय के लिए या फिर टेंस के अनुसार उनको उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है. ठीक है, अगर पिछला वीडियो को, कल के वीडियो को नहीं देखे हो, जरूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए. और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि ये do, does और did जो है ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाना जो है बहुत चुटकियों का खेल है. आसानी से क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है. ठीक है, इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्लास 12th में, सीजी बोर्ड में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं. ठीक है, ये इतना आसान है कि यूं एकदम चुटकी में चेंज कर सकते हैं. बस आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि कुछ भी डाउट्स आपको ना हो. ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा. अगर आप नए हैं इस चैनल में, वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल में इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जाता है. ठीक है, बहुत ईजी करके समझाने की कोशिश किया जाता है. आप अगर देख रहे हो तो आप यहाँ पर आप देखना कि कितना इजी तरीके से आप समझ जाओगे, बहुत ही तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है. और ये होता क्या है बेसिकली हम डिस्कस करते हैं अभी तुरंत. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग. ठीक है, हमने दो प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सीखे हैं. फर्स्ट जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं जिसका आंसर यस या नो में आता है. और दूसरा जो है जिसका आंसर, जिसका जवाब देना हमको पड़ता है. ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है. ये दो हो गया. अब ये तीसरा है क्वेश्चन टैग. ठीक है, क्वेश्चन टैग मतलब ये क्वेश्चन टैग होता क्या है बेसिकली, जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं उसको कंफर्म करने के लिए होता है, निश्चित करने के लिए होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलता हूं कि अरे कल आप बिलासपुर गए थे, है ना, ऐसे बोलता हूं. ठीक है, तो मतलब यहां है ना जो यूज कर रहा हूं वो क्या कर रहा है, उसके पहले वाला जो स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं बिलासपुर गए थे, उसको क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है. ठीक है, तो इसी चीज को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते हैं. और एक बार मैं बता दूं कि अगर मान लो मैं किसी को बोलता हूं अरे कल आप ऑफिस गए थे, है ना, ऐसे बोलता हूं, मतलब ऑफिस गए थे को कंफर्म कर रहा है क्या, है ना. ठीक है, तो इसी चीज को हम बताने के लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन टैग उपयोग करते हैं कंफर्म करने के लिए, जो स्टेटमेंट होता है उसको कंफर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए क्वेश्चन टैग लगाते हैं. ठीक है, और इसको सिंपल तरीका से समझें तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक नया बैग खरीदते हैं या फिर कुछ भी नया खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी. ठीक है, तो उसमें एक रस्सी से बंधा हुआ एक टैग मिलता है. ठीक है, वो क्या होता है, टैग होता है, जिसको तुरंत देख करके हमको पता चल जाता है कि वो किस कंपनी का है. ठीक है, तो हमको पूरे डिटेल में जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वो बैग किस कंपनी का है, उसका प्राइस क्या है, ये है वो है, पता करने की आवश्यकता नहीं होती है. केवल उस छोटा सा टैग हमको बता देता है कि कंफर्म है कि ये बैग जो है उसी कंपनी का है. ठीक है, तो इसलिए वो टैग लगाया जाता है. तो वैसे ही यहां पर जो स्टेटमेंट होता है उसको कंफर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए ये क्वेश्चन टैग लगाया जाता है. ठीक है, क्वेश्चन टैग लगाना बहुत ही आसान है. अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है उसको मैं आपको बता देता हूं. यहां पर जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो वो जो है दो प्रकार के सेंटेंस का ही बनता है. ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का और एक नेगेटिव सेंटेंस का, बाकी है ना, बाकी सेंटेंस का नहीं बनता है. तो ये दो सेंटेंस का ही बनता है. अब बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है ये देखना है. ठीक है, अगर मान लो सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव, इस चीज को बस ध्यान रखना. अगर मान लो सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव, तो जब उसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसका, तो क्या होगा, वो नेगेटिव में बदल जाएगा. ठीक, नेगेटिव बदल जाएगा. अगर मान लो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है तो ये बदल जाएगा क्या में, पॉजिटिव में. इतना समझ आ गया होगा, है ना. अगर मान लो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में है तो उसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज जाएगा, है ना, ओपोजिट हो जाएगा. अगर मान लो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है, उसको चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा. ठीक है, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए, उसका ओपोजिट होगा. ठीक है, तो ये दो चीज को आपको ध्यान में रखना है, एकदम इधर में बिठा के रखना है. ठीक है, अब वो चेंज कैसे होता है, उसको चेंज करने के लिए हमको दो जगह परेशानी होती है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, उसको भी बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर तुरंत बता देता हूं. अब यहां पर देखो, जैसे सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू,
दे, ठीक है, आई वी यू और दे। तो इनके साथ में अगर मान लो हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, सब्जेक्ट आई वी यू और दे होता है, उसको हमको सेंटेंस को हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या से बनेगा, उसमें लगाना पड़ेगा हमको क्या, डू, ठीक है। तो और एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं और सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन टैग बनता है हेल्पिंग वर्ब से और क्या से, सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो ये डू नॉट में बदल जाएगा, अगर इधर में नेगेटिव होगा तो इधर में ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना ही हमको ध्यान में रखना है, ये हो गया क्या चीज का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बता रहा हूं, ठीक है, पास्ट में डिड लगेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले। तो आई वी यू और दे, ठीक है, अगर मान लो ही शी आता है, ही शी इट सब्जेक्ट में रहता है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन टैग में जब चेंज करेंगे तो वहां क्या लगाना है हमको, डस का उपयोग करना है, ठीक है। और अगर मान लो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ही शी इट के साथ में वर्ब के साथ में क्या आएगा, एस आएगा, यही इसका फॉर्मूला है। और पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पर देख लो, सब्जेक्ट होगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये पास्ट टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया होगा आप सभी को। अब यहां पर देखो, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर जैसे तामझाम कर रहे हैं ऐसे यहां कुछ नहीं करना है, बस हमको डिड लगाना है, ठीक है। यहां पर आएगा क्या, डिड जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट में हो, तब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो डिड में बदल जाएगा, मतलब डिड का उपयोग करेंगे वहां पर, ठीक है। इसमें सभी के साथ में हम क्या उपयोग करेंगे, डिड का ही उपयोग करेंगे, जैसे आई वी यू दे ही शी और इट, ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हम डिड का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मान लो ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं उस समय दे का उपयोग भी करते हैं, जैसे कुत्ते दौड़ रहे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डॉग्स आर रनिंग, उसको क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, आर दे, है ना, आर डॉग्स नहीं बोलेंगे, तो उसके जगह में क्या लगाएंगे हम, दे का उपयोग करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है तब उसके जगह में जब क्वेश्चन टैग चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, दे का उपयोग करेंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको। और अगर मान लो ये सब्जेक्ट जो है कोई वस्तु होता है, ठीक है, कोई वस्तु होता है, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट के लिए इट का उपयोग करेंगे, ठीक है, तभी मैं बताऊंगा एग्जांपल दे करके तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना कंफर्म हो जाना चाहिए आपको, बस इतना कंफर्म हो गया तो क्वेश्चन टैग में चेंज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है आपको, ठीक है, बस इतना ही कंफर्म कर लो। चलो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, एग्जांपल्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। अब मैंने इसके पहले जो बताया है बस उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहला वाला क्या है, दे गो टू ऑफिस, दे गो टू ऑफिस, हमको देखना है वो कौन सा टेंस में है, ठीक है, टेंस पहचानने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस में है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पता लगेगा, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तब हमको क्या करना है, डू और डस लगा करके क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। ही शी इट रहेगा तो डस लगाना है, और मान लो प्लूरल रहेगा तो डू लगाना है। अब यहां पर देखो, दे गो टू ऑफिस, दे गो टू ऑफिस, दे के साथ में डू आएगा, क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब और क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां पर नॉट नहीं लगा हुआ है मतलब वो पॉजिटिव है, तो इधर में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, मतलब नॉट लगाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हेल्पिंग वर्ब और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट दे, है ना, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हमने इधर क्या लगाया, दे लगाया और इधर में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो डू नॉट दे ऐसा नहीं लिखना है हमको, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करना है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा डोंट दे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, कितना टाइम लगा, बस यू बदल गया ना।
कुछ भी नहीं करना है, बस बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। अब इस नेक्स्ट वाला देखो, डॉग्स ड्रिंक मिल्क। अब यहां पर भी देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ध्यान रखना। मैं क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो दे का उपयोग करना है, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब उसमें डज नहीं लगाना है, डू का उपयोग करना है, ये भी ध्यान रखना। डॉग्स ड्रिंक मिल्क, ठीक है, यहां सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स है, मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमको क्या लगाना है, डू का उपयोग करना है, ठीक है। अब वैसे ही सेम ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, बन जाएगा ये डोंट, है ना। अब यहां पर डॉग्स है, डॉग्स कौन से कैटेगरी में आता है, इट के कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो यहां प्लूरल है, इट का प्लूरल क्या होगा, दे होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है, डोंट दे, है ना, यहां प्लूरल है इसलिए हमने इधर क्या लगाया, दे लगाया। अब ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, अब यहां मान लो कोई भी एनिमल, कोई भी चीज सिंगुलर होता है, इट के कैटेगरी में आता है, तब उसके साथ में यहां डस तो आएगा, ठीक है, इसमें डस तो आएगा, लेकिन यहां पर डस नहीं आएगा जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब, ठीक है। इस स्थिति में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर क्या है, कैट है, सिंगुलर है, वो इट की कैटेगरी में आता है, हालांकि यहां पर हमको डज नॉट लगाना पड़ता है, लेकिन जब टैग में चेंज करेंगे तो वहां पर बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर कैट जो है वो इट की कैटेगरी में आता है और हेल्पिंग वर्ब ही शी इट के साथ में इज भी आता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हमने क्या देखा, डॉग्स जो है वो क्या है, इट के कैटेगरी में आता है, तो हमने इधर में दे लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन जब सिंगुलर होगा तब हमको ध्यान में ये रखना है कि यहां पर हमको डस का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, डस का उपयोग नहीं करना है क्योंकि कैट है, इट के कैटेगरी में आता है, तो डस आएगा, यहां पर नेगेटिव है तो इधर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, है ना, मैं बताना भूल गया कि ये जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का ही उपयोग करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट में मान लो किसी का नाम भी आ जाता है तो यहां पर प्रोनाउन का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो यहां पर कैट है तो इस कैट को इधर हम क्या में चेंज कर देंगे, इट में चेंज कर देंगे, तो ये क्या में बदल जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, वो इजंट इट, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहीं पर बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर मान लो कैट जो है या फिर कोई भी चीज जो है सिंगुलर है, तो फिर जब उसको उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इधर में, तो ध्यान ये रखना है कि वहां पर डज इट नहीं लगाना है, इजंट इट लगाना है, ठीक है। डज इट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इजंट इट लगाना है, ठीक है। डजंट इट भी नहीं आता है, ठीक है, तो इजंट इट या फिर इज इट आता है, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है, ये वाला चीज को। नेक्स्ट वाला देखो, एवरीबडी पास्ड इन द एग्जाम, एवरीबडी पास्ड इन द एग्जाम। अब यहां पर एवरीबडी किसको दर्शा रहा है, लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है, मतलब प्लूरल है, मतलब वो किसके कैटेगरी में आएगा, दे में आएगा, ठीक है। तो एवरीबडी पास्ड इन द एग्जाम, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है और ये पॉजिटिव है, तो इधर क्या में बदल जाएगा, डिंट दे, ये बन गया हमारा क्या, क्वेश्चन टैग, ठीक है। एवरीबडी पास्ड इन द एग्जाम, डिंट दे, ऐसा। अब यहां पर नेक्स्ट वाला देखो, राम डिड नॉट गो होम, राम डिड नॉट गो होम, यहां पर नेगेटिव है और कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ये डिड नॉट जो है इधर में क्या में बदल जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो रामू यूज किया गया, ठीक है, रामू कौन है, ही है, तो इधर में क्या लगाएंगे हम लोग, ही का उपयोग करेंगे, रामू मत लिखना उधर, फिर गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिड ही, ये चेंज हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वाला देखो, शी टीचेस अस इंग्लिश। अब यहां पर देखो शी है और टीचेस है, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन में है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में है, इधर में नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो डजंट शी, ये चेंज हो गया हमारा टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बदलना है, ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है, बस हमको इसको पहचानना है, ठीक है, कौन से टेंस में है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, उसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, बस उतना ही देखना है और तुरंत दो मिनट में चेंज हो जाता है, दो मिनट भी नहीं लगता है, ये दो वर्ड को लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा ना, दो सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहां पर देखो, इन एग्जाम्पल्स में क्या होगा, इन स्टेटमेंट्स में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स होगा पहले से, ठीक है। केवल दिक्कत हमको कहां होती है, वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होता है और हमको हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स रहता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल हमको ध्यान कहां रखना है कि वो स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव भी है ना, ओपोजिट हमको कर देना है, अगर इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर में पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर देखो एग्जाम्पल देखो तो अच्छे समझ में आएगा।
ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पर ये कौन सा टेंस में है। अब यहां पर टेंस भी नहीं जानोगे तो भी आप क्वेश्चन टैग बना सकते हो, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो रहता है पहले से, बस इतना ध्यान रखना है स्टेटमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है उसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज है ना, तो इसको आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे, isn't, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो isn't he, ये बन गया हमारा क्या, क्वेश्चन टैग। वैसे ही नेक्स्ट वाला देखो, वी वेर गोइंग फॉर मूवी, वी वेर गोइंग फॉर मूवी। अब यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब उधर नेगेटिव बनेगा, तो ये क्या बनेगा। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, वी है, वेंट वी, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। वैसे यहां पर देखो, दे हैड नॉट सीन मी, दे हैड नॉट सीन मी, अब यहां पर क्या है, नेगेटिव है, मतलब उधर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नॉट को हटा देना है, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहां क्या हो जाएगा, हैड दे, ये हो गया पॉजिटिव, नॉट हटा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, राधा हैज कॉट अ स्नेक, राधा हैज कॉट अ स्नेक, यहां राधा का नाम दिया हुआ है, तो राधा कौन है, शी है, तो वहां पर हमको शी लगाना पड़ेगा, ठीक है, राधा नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। फिर यहां देखना यह भी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो उधर में नेगेटिव बनेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, hasn't she, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ही वॉन्ट कम टुमोरो, यहां पर देखो ही वॉन्ट, वॉन्ट मतलब क्या है, वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शैल नॉट का शैलेंट नहीं होता है, विल नॉट का विलेंट नहीं होता है, ठीक है, विल नॉट का वॉन्ट होता है, शैल नॉट का शांट होता है, तो इसको भी ध्यान रखना। ही वॉन्ट कम टुमोरो, ही वॉन्ट कम टुमोरो, यहां पर देखो ये नेगेटिव में है तो वहां पर चेंज हो जाएगा क्या, पॉजिटिव में, ठीक है, तो विल नॉट का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव है, इधर में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो विल ही, ये चेंज हो गया क्या हमारा क्वेश्चन टैग। वैसे यहां पर देखो, यू हैव विजिटेड मुंबई, यू हैव विजिटेड मुंबई, यहां पर पॉजिटिव है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसको नेगेटिव में बना दो तो क्या हो जाएगा, हैवेंट, अब यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, हैवेंट यू, तो ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन टैग, समय ही नहीं लगता है, एकदम चुटकियों में बन जाता है, बस जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, बस हेल्पिंग वर्ब हमको देखना है, अगर मान लो इधर में पॉजिटिव है तो इधर में नॉट लगा करके बना दो, अगर मान लो इधर में नॉट लगा हुआ है तो इधर में नॉट को हटा दो, ठीक है, बस इतना ही हमको करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, जहां भी समझ में नहीं आया मैं तुरंत आपको समझा करके दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो है आसानी से समझाने की कोशिश किया जाता है इस चैनल में, ताकि हम इंग्लिश अच्छे से सीख जाएं, धीरे से सीख जाएं, ठीक है, तो यही उद्देश्य होता है इस चैनल का, तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में कल हम सीखेंगे क्या, डू डस और डिड जो है वो इंफेटिव में कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, इंफेटिव में उनका उपयोग कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे कल के वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से सीख जाओ, कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है, तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो जो है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए अपलोड किया जाता है, तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना ना भूलें, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, कुछ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो निवेदन है उनसे कि अगर वीडियो देखते हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप वीडियो जो है मिस ना करो, ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो और घर में सुरक्षित रहो।